Hello, let's see a given question. The question says In an n-type silicon, which of the following statement is true? Option A given electrons are majority carriers and trivalent atoms are the dopants. Option B given electrons are minority carriers and pentavalent atoms are the dopants. Uh, option C given holes are minority carriers and pentavalent atoms are the dopants. Option D given holes are majority carriers and trivalent atoms are the dopants. So, for this question, the key concept we need to understand is the concept of एन टाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर ठीक है ना तो हमने बेसिकली सेमी कंडक्टर दो टाइप के पढ़े थे इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक का मतलब होता है प्योर जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाई गई और एक्सट्रेंसिक होता है इम्प्योर जिसमें इंप्योरिटी मिलाई गई है एक्सट्रेंसिक दो टाइप के थे एक था पी टाइप और एक एन टाइप तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एन टाइप सेमी कंडक्टर क्लियर है अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एन टाइप के बारे में अगर हम मान लें कि हमारा जो सिलीकन है बेसिकली सिलिकन जो है एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है ग्रुप फोर्टीन का एलिमेंट है तो इसके जो वैलेंस बेंट में इलेक्ट्रॉन होंगे वो चार होंगे ठीक है कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं इसका लेटेस्ट अब ये चार कोवल बॉन्ड इसने अपने नेबरिंग सिलिकन एटम्स के साथ बनाया हुआ होगा ठीक है ना अब हम क्या कर रहे हैं है इसके अंदर हम इम्प्योरिटी मिला रहे हैं इम्प्योरिटी दो तरीके से हो सकती है एक ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जो हमें पी टाइप देगी तो यहाँ मेंशन भी कर देते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से हमें क्या मिलता था पी टाइप बट यहाँ पे हम इसका फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे एक हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते थे जिससे हमें क्या मिलता था एन टाइप सेमी तो अभी हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो हम इसमें एन टाइप की इंप्योरिटी मिलाएंगे या फिर पेंटावलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे जो कि हम कंसिडर uh, करते हैं लेट्स से फॉस्फरस की तो लेट्स ए लेटेस्ट में हमने फॉस्फरस की इम्प्योरिटी मिला दी अब ये फॉस्फरस क्या करेगा ये चार इलेक्ट्रॉन शेयर करके चार बॉन्ड बना लेगा पहले तो एक दो तीन चार चार बॉन्ड बना लिया लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपैड है तो यहाँ पे है इसके साथ हम उसको यहाँ शो कर रहे हैं ठीक है तो ऐसे बहुत सारे जब हम इम्प्योरिटीज मिलाएंगे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेडिली अवेलेबल यानी कि ये अपने साथ लेकर ही आ रहा है एक्स्ट्रा ठीक है तो जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे-वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे-वैसे इसकी conductivity भी बढ़ती जाएगी right? so एक तो फ्री हमें यहां से मिल गया दूसरा थर्मल एजिटेशन टेम्परेचर के वजह से भी कुछ सिलिकन के बॉन्ड टूटेंगे एंड इन दैट सिचुएशन हमें अगेन कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल पे मिलेंगे ठीक है ड्यू टू थर्मल एजुटेशन ठीक है अब इस थर्मल से एक तो होल्स भी बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तो होल्स बनेंगे एंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी बनेंगे जितने होल्स उतने इलेक्ट्रॉन्स लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें यहाँ पे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक तो रेडिली अवेलेबल है और ऊपर से हमें थर्मल एजुटेशन के से इलेक्ट्रॉन्स और भी मिल रहे हैं ठीक है तो वी कैन से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मच मच ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ होल्स के तो इसीलिए हम बोलते हैं इस फॉर दिस एन टाइप सेमी कंडक्टर इसमें हम बोलते हैं कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है uh, वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे हम बोलेंगे मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर होगा वो कौन होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है ठीक है तो माइनॉरिटी कौन बचा माइनॉरिटी में बचे होल्स क्योंकि होल्स सिर्फ थर्मल एजिटेशन की वजह से ही होल्स क्रिएट हो रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे ऑप्शंस को अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में बोला गया इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर ये बात सही है लेकिन ट्राइवलिटी नहीं मिलाते मिलाते इसमें हैं राइट सो दिस ऑप्शन इज डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर तो डिस्कार्ड ये हो गया होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर ये डोपेंट्स डोपेंस so ये भी सही है डोपेंट्स मिन जो हम मिला रहे हैं जैसे यहां पे हमने फॉस्फरस मिला है तो यह डोपेंट हो गया यहाँ पे ठीक है होल्स आर मेजोरिटी कैरियर्स दिस इज इनकरेक्ट राइट सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस सो आई होप यू अंडरस्टूड द दल्यूशन ऑल द बेस्ट